Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तो हम सुन रहे थे वचनों को और हम देख रहे थे कैसे जिनको कोड लगी थी वे लोग चंगे हो गए और 10 में से एक वापस आया और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। ऐ स्वर्गीय पिता, आपने भी हमारे जीवन में बहुत महान कार्य किए हैं। हम हमारी गलती को पहचानते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं और आप जो कुछ भी हमें सिखा रहे हैं, हम एक दिन में तो सीख नहीं सकते हैं, लेकिन ज़रूर ये जो सत्य आप हमें सिखा रहे हैं इसको हम हमारे जीवन के हर पल में इस्तेमाल करते हुए हमारी नई आदत बनाते हैं, नई लाइफस्टाइल बनाते हैं, जिससे हम हर पल, हर समय, हर मुश्किलों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। मुश्किलों के लिए नहीं, लेकिन मुश्किलों में, क्योंकि आप इस पहाड़ से, इस गहराई से सबसे ऊंचे हैं और जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। ए प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा हमारी समझ बदल रही है, आपका ज्ञान हमें विश्वास सिखा रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हमारे खुद के काबिलियत पर नहीं बल्कि आपकी काबिलियत पर विश्वास करते हुए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ भी आप हमें सिखा रहे हैं इससे अवश्य हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया है और होता बढ़ रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। तो हमने देखा कि प्रभु के हर कार्य में अच्छाई आती है और ये अच्छाई आने के कारण प्रभु हमारा इंतज़ार करता रहता है ये देखने के लिए कि अब जो मैंने इनके जीवन में किया है ये अनुभव करने के बाद इनका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो जब हम रिस्पॉन्स करते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और उससे आशीर्वाद और भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जिनके जीवन में अच्छाई हुई है और प्रभु को उसने बहुत हल्का रखा है, एक्नॉलेज नहीं किया कि ये प्रभु का कार्य है बल्कि खुद ने किया इस पर करता है और प्रभु को धन्यवाद देने से इनकार करता है, तब वो खुद अपनी ज़िंदगी में रुकावट डालता है। तो गए 3 दिनों से हम देख रहे हैं स्तुति करने से प्रभु हमारे खुद के स्तुतियों में निवास करता है, धन्यवाद देने से हम प्रभु को विश्वास से जो प्रभु करने वाले हैं वो जरूर कर रहा है और जरूर करता ही है ये जानकर हम होने के पहले ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इससे साबित होता है कि प्रभु मेरा विश्वास आप ही पर है, कॉन्क्रीट के जैसा है, डगमगाता नहीं है और मैं आपके साथ कनेक्शन चालू ही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम जब रुक गए थे तभी हमने ये पूछा, एक कोड़ी और 9 कोड़ी सब में चंगाई हुई थी, लेकिन चंगाई में फ़र्क क्या था। जो 9 थे वो चंगे हो गए और अपने अपने घर चले गए, लेकिन वो एक था जिसको चंगाई हुई, वो उछल कर, कूद कर, नाच कर प्रभु की स्तुति करते करते प्रभु के पास आ पहुँचा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा। तो प्रभु ने उसको क्या बोला, देखो वचन में क्या लिखा है। उन्होंने पूछा, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे, बाकी के 9 कहाँ हैं। उसके बाद देखो क्या बोला है,
क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। ये परदेसी था और फिर भी गवाही देते हुए नाचकर आनंद से गवाही दे रहा था। तो प्रभु बोलता है ऐसा इस गांव में इस देश में कोई नहीं है जो इसके जैसे प्रभु को स्तुति दे, धन्यवाद करे, प्रभु को गौरव करे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये परदेशी होने के बावजूद ये कर रहा था और फिर उसको क्या कहा? तब उन्होंने उससे कहा उठो। उठो, सबसे पहले बोला उठो, तुमको जिस जिस चीजों ने तुम्हें झुकाया है, भयंकर खौफ दिया है, हाँ उसमें तुम पूरे टूट गए हो, अभी तुम्हारा वक्त है उठने का। क्यों? जब भी तुम प्रभु को धन्यवाद देते हो, प्रभु की स्तुति करते हो, वो स्तुति और वो धन्यवाद प्रभु अपने अभिषेक से तुमको उठाता है। कितना भी घिरा हुआ है प्रभु तुमको उठाता है। अराइज, फिर क्या लिखा है? उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उठो, तुम्हारे रास्ते से चलो, उस रास्ते से चलो जहां पर स्तुति और धन्यवाद और आराधन है। और जब तुम चलते हो ये याद रखना, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें सिर्फ भला चंगा नहीं किया, तुमको संपूर्ण तरह से चंगाई दी है, रिश्तों में, पैसों में, परिवार में, बच्चों में, सब में तुमको तुम्हारा विश्वास ने बरकत दी है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम मिनिस्ट्री करते हैं या प्रभु के कार्य करते हैं तब विरोधी होती है कि नहीं? होती है। होगी कि नहीं? तो होती है। जब आप चंगाई अच्छाई के लिए निकलते हो, अच्छाई कर रहे हो, लेकिन आप पर कभी ना कभी कोई ना कोई आरोप लगाएगा, झूठ मूठ का आपको इंसल्ट करेगा। तो हमारे मिनिस्ट्री में अगर हमको हर पल सफलता देखना है, अच्छाई देखना है, बड़ापन देखना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब विरोधी आती है उस समय क्या मैं स्तुति कर रहा हूँ, क्या मैं आनंदित हो रहा हूँ, क्या मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन में हमेशा विजय और विजय प्राप्त होता है। आपका जीवन जो धन्यवाद देने वाला जीवन, प्रभु उस जीवन को रंगीला जीवन बनाता है, अपने अपने रंग डालता है। और जब लोग आपको देखता है लोग ये भी बोलता रहेगा इसकी तो कुछ काबिलियत ही नहीं, इसकी तो हैसियत ही नहीं है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता है प्रभु इसके साथ इतना मेहरबान क्यों है। कभी कभी मैं देखता हूँ कोई लोग है जिनको बाइबल में इतना ज्ञान है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, एक बूंद भी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी में सिर्फ बर्बादी है। तो मैं ये भी पूछता हूँ प्रभु इसको तो वचन इतना मालूम है, ये सब मालूम है, तो इसके अंदर ये लपड़ा क्यों है कि अभी तक ये बाहर क्यों नहीं निकला है? क्योंकि उसके अंदर घमंड होता है। और कितने बार मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको अंगूठा छाप होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, हाँ लेकिन फिर भी उनके जीवन में मान कार्य होता है। अभी एक उदाहरण देता हूँ, ये मैसूर में जितने लोग हैं ना हमारे टीम वाले, सब के सब हिंदू है, सिर्फ तीन या चार परिवार क्रिश्चियन है, बाकी जितने प्रवचन करने वाले सब हिंदू ही है। हाँ, उसमें का एक भाई है, उसका नाम है नागेंद्र, उसको बाप्तिज्म होने के बाद उसको ऑलविन का नाम दिया है। तो उसका बेटे का नाम उसने जोशुआ रखा और वो करीब करीब दो माले के बिल्डिंग से गिर गया, छोटा था, गिर गया। तो जब गिर गया तभी ये प्रवचन कर रहा था, तो वो ऐसे जगह पे गिर गया कि उसकी मौत हो गई। तो जब अस्पताल लेके गया तो डॉक्टरों ने कहा ये मर चुका है। तो इसने अपने मोटरसाइकिल पे बिठाया बीवी के साथ
और वो बार बार बोलने लगा, ए प्रभु मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ जोशुआ के लिए, इसका नाम मैंने जोशुआ इसलिए रखा क्योंकि इसको प्रवचन करना है, और जब तक वो प्रवचन नहीं करता है, अपना कार्य चालू नहीं करता, वो मर कैसे सकता है। ये बोल के वो धन्यवाद देते गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं कर सकता, तुम ले जाओ, और मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है और धन्यवाद दे रहा है वो और उसकी बीवी। अचानक पीछे से हाथ आया, डैडी डैडी मुझे आइसक्रीम खाना है। कौन? ये जोशुआ। हालेलुया। अब ये गवाही सबको मालूम है मैसूर में। तो एक ऐसे घर में ये जो आता ना प्लास्टरिंग करने वाला, वो प्लास्टरिंग कर रहा था, हिंदू भाई है, प्लास्टरिंग कर रहा था, और उसके कान में लगा था ईयरफोन। काम पे आता है तब से लगाता है, शाम को जाते तक वो ईयरफोन लगाता है। वो औरत से बात भी नहीं करता है जिसके घर पे काम कर रहा है, खाली वो पूछती है चाय पीना है, तभी चाय पीता है, वापस हो जाता है। तो औरत ने बोला, तुम इतने दिन से मैं देख रही हूँ, तुम जो कर रहा है क्या सुन रहा है? तो उन्होंने बोला तुम भी सुनो। तो उसको दे दिया सुनाने के लिए। उसने आधा घंटा सुना उस बहन ने जो वो घर की मालकिन थी, और उसने उसे पूछा ये क्या है? तो इसने बताया ये प्रभु यीशु के बारे में है। तो बोला मैं आधा घंटा सुनी, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, इनका पति रोज़ दारू पीता है, रोज़ पीटता है। तो उसने बोला तुम एक काम करो, अगले रविवार को हमारी मीटिंग है, तुम आ जाओ। तो जब वो मीटिंग में आई तो ये लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, टीम वाले, जिसको जिसके पास मेमोरी कार्ड रहता है उसमें सब एक साल का सब टीचिंग डाल के देते हैं। तो इनके मोबाइल में भी वो टीचिंग डाल के दिया। अब ये बीवी क्या करती है, ये आदमी के जैसा कान में लगा के सुनती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये सुनते सुनते क्या हुआ, एक महीने में पति पूरा दारू बीरू सब छोड़कर पति भी सुनने लगा। हालेलुया। ठीक है, अब पति की बहन ने भी सुनने चालू किया, तो उसके रिश्तेदारों ने सुनने चालू किया, सब मीटिंग में आने लगे। अचानक एक ऐसा दिन आया कि उसके रिश्तेदार में कोई छोटा बच्चा मर गया। अब जब उनकी जो परंपरा है, जब कोई मरता है उसका शरीर घर के अंदर नहीं रखता, घर के बाहर रखता है। तो ये बहन जब उसने सुना कि इसका बच्चा मर गया है, वो उसके घर पे गई, बच्चे को उठाई और घर के अंदर घुस गई। अब घर के अंदर घुस गई मतलब ये तो परंपरा के विरुद्ध है, तो काफ़ी रिश्तेदारों ने उन पर गुस्सा किया। तो ये गई उसके बच्चे को लेके दरवाज़ा बंद कर दिया, और उन्होंने यही बात की, वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरकर जीवित किया, वही आत्मा ने जोशुआ को जीवित किया, वही आत्मा अब इस बच्चे को जीवित कर रहा है, मेरी ये विश्वास है। 2 बजे से चालू किया, 6 बजे तक लोगों ने, सब लोग ने बोला ये औरत पागल हो गई है, ऐसा सब कर रही है। तो लोग ने सब ने मिलकर इसको अभी सबक सिखाना है बोल के तैयारी की इसको मारने के लिए। तो उसको पवित्र आत्मा ने बोला एक चम्मच पानी ले और बच्चे के मुंह जबान पे डाल देना। जैसे उसने एक चम्मच पानी लिया, वो बच्चा खांसने लगा और जिंदा हो गया। बराबर है। वो सरपंच जिसने सोचा था इसको सबक सिखाने का, वो सरपंच ने इसी औरत को अपने घर ले गया और उसका भी इलाज हो गया। प्रेज गॉड। तब ये ऑलविन जब टेस्टिमनी दे रहा था, तब उसने कहा पेत्रुस, जॉनसन, ऑलविन, मेरी और ये सब क्रिश्चियन नाम ले रहा था। ये लोग ने प्रार्थना नहीं किया, शिवम्मा ऐसा वो औरत लोग का नाम है ना सब, ऐसा लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया और उस बच्चे को जिंदा किया। फिर वो बोलने लगा तुम लोग क्रिश्चियन लोग जब नहीं काम करेंगे ना, प्रभु हमारे जैसे लोग को खड़ा करता है। हालेलुया। अब ये जो औरत प्रार्थना कर रही थी उसको तो पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं, गौर से सुनती है, मन में हृदय में उसको एक अपना तिजोरी में
वचन को रखता है और वही वचन को सुनाकर लोगों के अंदर चंगाई लाती है। अभी किसी ने उसको पूछा, तुम्हारा सर्टिफिकेट है क्या? हमारे सर्टिफिकेट नहीं है। पढ़ाई लिखाई है क्या? नहीं है। तो क्या है? मेरे पास प्रभु यीशु है। हालेलुया। मेरे पास खुद प्रभु यीशु है और वही काम करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में पढ़ा लिखा देख रहा है कि जो अनपढ़ है वो देख रहा है? प्रभु के राज में प्रभु एक ही चीज देख रहा है, फैट लुक को देख रहा है। फैट, फैट, एफ ए टी, फैट इंग्लिश में बोलता है मोटा, लेकिन वो फैट मोटा नहीं, फैट लोगों को देख रहा है। एफ मतलब जो विश्वासी है, ए मतलब जो हमेशा प्रभु के लिए तैयार है, अवेलेबल है, और टी मतलब हमेशा प्रभु को ट्रस्ट करता है और बहुत टीचेबल है, जो कुछ भी सिखाता है तुरंत ही सीखता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु हमेशा इंतजार कर रहा है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में जाने के लिए। वो लोग को जब सिखाते हैं, कोई नोट्स लिख नहीं सकता है। हम जब बनारस गए थे, किसी को लिखने नहीं आता है, किसी को लिखने नहीं आता है, लेकिन जो सिखाया ना, सीख कर वो जाके अपने पड़ोसी में जाके वही सिखाता है और उसको लेके भी आता है। बोलते देखो ये कल तक बीमार, हम आपने जो सिखाया वही हमने सिखाया और अब ठीक हो के आ गया। आप बताइए, गांव वाले ज्यादा जाएंगे कि शहर वाले जाएंगे? गांव वाले, क्योंकि उनको काम धंधा नहीं है। नहीं, सिंपल है। स्वार्थी ज्यादा कौन है, गरीब है क्या अमीर है? अरे हम तो जो घर में गए थे ना, एक जगह पे फादर का अच्छा एसी वाला रूम था, दूसरे जगह पे वो घर था। हाँ, तो हमने उधर 11 दिन वो घर में रहे, तो घर में रहने के लिए जगह नहीं था, हम जाके छत पे सो गए। तो वो लोग बोलते थे बारिश गिरेगा तो क्या करेगा? अरे जब हम छत में सोएंगे ना, प्रभु उधर का बादल को हटा डालेगा। बाजू वाली बिल्डिंग में बारिश गिरेगा, अपने इधर नहीं गिरेगा, और 11 दिन नहीं गिरा। और रोज बारिश गिरता था, दिन में, रात को बारिश नहीं। लेकिन फायदा यह था, फादर ने बोला भाई हमने तुमको इनविटेशन दिया, तुम हमारे इधर नहीं रहते हो। मैंने बोला फादर अब किधर रहेगा ना, तो मेरे को कुछ फायदा नहीं है। अच्छा एसी रूम है, अच्छा है, लेकिन मैं उनके छत पे जाके पढ़ाता हूँ ना, वो स्पीकर बाहर रखता हूँ, सामने वाली बिल्डिंग में भी लोग बैठ के सुनते हैं, पड़ोसी भी सुनता है अपने छत से, ये वाला पड़ोसी भी सुनता है, और रास्ते पे आदमी लोग बैठ के भी सुनते हैं। बाजू थोड़े दूर में दारू का अड्डा है, उधर के लोग भी शराब पीते पीते सुनते हैं। तो 11 दिन मेरा रिट्रीट तो रास्ते पे ही हुआ ना। प्रेज गॉड। वो भी कौन से सिटी में? बनारस में, वाराणसी बोलते हैं अभी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी मिनिस्ट्री कब बढ़ेगी? भले ही कोई भी मुसीबत आए या नहीं आए, हम हैं लोग स्तुति वाले और धन्यवाद वाले। अभी स्तुति वाले ये नहीं कि क्वार के जैसे गीत गाएंगे, नहीं 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 नहीं, वो स्तुति नहीं, जो हृदय से स्तुति करता है। अब जाके कभी भी कोई क्वायर वाला मिला ना, आप क्वायर वाले को पूछना आपको गीत गाने अच्छा लगता है, बोले हाँ अच्छा लगता है। जब घर में तूतू में होता है तभी गीत गाता है क्या? पूछो ना जाके, जब तुम्हारा मूड खराब होता है तभी गीत गाते क्या? अरे लेकिन बाइबल में लिखा है जब समस्या आई उस समय वो लोग गीत गा रहे थे। हम कभी गीत गा रहे हैं जब सब कुछ अच्छा है? गलत बोल रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमको हमारे जीवन में हर पल जीत देखना है तो हमको इसकी आदत लगानी पड़ेगी, और वो भी हृदय से समझकर, खाली गीत नहीं गाना है, समझकर गीत गाना है कि मेरे शब्दों के द्वारा प्रभु स्वयं मेरे स्तुति और धन्यवाद में प्रभु स्वयं आकर निवास करते हैं। yes. ये मुझे जानना है, पहचानना है, और जब शैतान आक्रमण शुरुआत करता है तो बोलना है, तुमने चालू किया ना,
मैं पूरा करूंगा, पूरा तो मैं ही करूंगा, मुझे सिर्फ स्तुति करना है, तेरा तो बैंड बज जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उन हमको ये सिखाया जाता है बचपन से, जब कोई बुरा समाचार आता है तो बैठ के रोना है, एक दूसरे के कंधे पे जाके रोना है। किधर लिखा है क्या प्रभु यीशु ने बोला है तुम्हारे रोने से तुम चंगे हो गए हो? नहीं। अगर एक जगह पे भी लिखा होता सारे के सारे औरत लोग सब चंगे होते। सारे औरत लोग ही रोते क्या? आदमी भी रोते। आदमी भी रोते। ऐसे अगर लिखा होता सारे के सारे औरत लोग चंगे होते। अभी वक्त बदल गया है ब्रदर, औरत लोग हंसते हैं, आदमी लोग रोते हैं। तो हमको ये मिनिस्ट्री को बहुत मजबूत बनाना है। कौन सी? थैंक्स गिविंग की। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस तरह वो कोड़ी को जब चंगाई मिली, वो दौड़ता हुआ आया और प्रभु को धन्यवाद देते गया और प्रभु ने बोला जाओ तुम संपूर्ण तरह से भले चंगे हो गए हो। इसी तरह प्रभु आपने मेरे जीवन में बहुत मान मान कार्य किए, उनको याद करके बोल कर मैं आपको स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखिए, हमारे जीवन में सुधार, हमारे जीवन में सुधार अधिक मात्रा से अनुभव होता है, हमारे जीवन में सुधार अधिक मात्रा से अनुभव होता है स्तुति के द्वारा, स्तुति के द्वारा। उदाहरण, नौ कोड़ी चंगे हो गए, लेकिन जो एक प्रभु को गवाही देने आया, प्रभु को गवाही देने आया, धन्यवाद देने आया, वह सिर्फ चंगा ही नहीं हुआ, वह सिर्फ चंगा ही नहीं हुआ बल्कि संपूर्ण तरह से हर शास्त्र में, हर क्षेत्र में, हाँ क्षेत्र में, क्षेत्र में, क्षेत्र में, हर क्षेत्र में चंगा हो गया। धन्यवाद देने से हमारा जीवन, हमारा जीवन का हर एक क्षेत्र रंगीला होता है। हमारे जीवन में उन्नति होती है। और इसी धन्यवाद के द्वारा प्रभु की मेहरबानी, प्रभु की मेहरबानी और आशीर्वादें, और आशीर्वादें हमारे जीवन में बढ़ता ही जाता है, हमारे जीवन में बढ़ता ही जाता है। जिस तरह वो कोड़ी लौटते हुए आया, जिस तरह वो कोड़ी लौट कर आया, चंगा होकर लौट कर आया, चंगा होकर लौट कर आया,
धन्यवाद देने उसी तरह हम भी प्रभु को हर क्षेत्र में प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देंगे। प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देंगे क्योंकि वो इसका लायक है, काबिल है। धन्यवाद देने से बहुत सारे डिलीवरेंस होते हैं। धन्यवाद देने से बहुत बड़े बड़े डिलीवरेंस होते हैं, बड़े बड़े मेहरबानियाँ होते हैं, बड़े बड़े मेहरबानियाँ होते हैं। प्रभु हमें बढ़ाता है, उठाता है। प्रभु हमें बढ़ाता है, उठाता है। धन्यवाद देने से प्रभु हमें उठाता है, हमें बढ़ाता है, प्रमोशन लाता है, प्रमोशन लाता है। हमें सीखना है। हर पल हमारे ओटों से शब्द निकलता है, हर पल हमारे ओटों से शब्द निकलता है, धन्यवाद प्रभु यीशु। हर पल हमारे ओटों से शब्द निकलते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आपकी स्तुति हो। ये करने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। ये करने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। Praise God. फायदा है कि नहीं है? Yes. तो मैं तो अभी मेरे विश्वास की आंखों से देख रहा हूं, आपके जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं, चमत्कार भी हुए हैं और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। ये बदलाव लाने का काम किसका है? आपके ओटों से आए हुए शब्द धन्यवाद के, प्रभु की स्तुति के। अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे ये होता है कि हम नहीं जानते थे ये इतना आसान है। जिस ऑटो से मैं मेरा डर प्रकट करता हूँ, उसी ऑटो से मैं अभी डर प्रकट नहीं करता है, सिर्फ प्रभु यीशु को यही बोलता जाता है, धन्यवाद प्रभु यीशु। और शैतान आपको मार रहा है चिंता में, तो उसने एक फाइट मारा, आप सिर्फ ये बोलते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। और शैतान मार रहा है आपको, धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। वो बोलने का बंद नहीं कर रहा है। जब आप बोलने का बंद नहीं करते हो, एक समय आता है जब आपका विश्वास बढ़ता जाता है। क्यों? विश्वास आता है कैसे? वचन को सुनने और सुनने से आता है। डर कैसे आता है? प्रभु के वचनों के विरुद्ध सुनने और सुनने से आता है।
तो जब आप आपके ओठों से बोलते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपको स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, ये जब आप बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, आत्मिक में, आत्मिक राज्य में आपके पक्ष में युद्ध लड़ रहा है, आपके विरुद्ध में नहीं है, आपके पक्ष में है। ओ विरुद्ध पक्ष में कैसे बदल गया? आपके ओटों से निकले हुए स्तुति के शब्द, धन्यवाद के शब्द, वही विश्वास पे जा, विश्वास शैतान पे आक्रमण करता है और उसको पराजित करता है। तो आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? धन्यवाद स्तुति। हेलो, आपका सबसे बड़ा धन्यवाद हथियार क्या है? आपका जबान। इसीलिए जब बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है जबान दिखा। क्यों बोलते हैं जवान दिखा? वो देखना चाहता है जवान कैसे इस्तेमाल किया, और जवान पे सारी बीमारी का सब रूप उस जवान पे आता है। और यही प्रभु बोलते हैं अगर तुम तुम्हारे जवान पर संभालोगे और सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो तुम हर मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब प्रभु ने लाजरस को दफनाया गया था, उसको जिंदा किया, उसके पहले क्या बोला? क्या जीसस ने पिता से कहा लाजरस को मौत से जीवित करो? नहीं। धन्यवाद पिता। हाँ, धन्यवाद पिता, आप मेरी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हो। पहले प्रभु ने धन्यवाद दिया कि पहले प्रभु ने लाजरस को बाहर आने बोला? धन्यवाद दिया। पहला धन्यवाद दिया। हमने क्या सुना है? धन्यवाद और स्तुति देने से कौन आता है? ईश्वर स्वयं। ईश्वर स्वयं आता है। अब ईश्वर वहां पर आए और अभी क्या बोला? लाजरस बाहर आओ। लाजरस बाहर आओ बोला कि बाहर आ जाओ? बाहर आओ। बाहर आओ, अच्छा हो बोला नहीं बाहर आओ। सारे के सारे मुर्दे आते। प्रभु यीशु ने बोला सब लोग उधर ही बैठो भाई, तुम लोग मत आओ, लाजरस तुम आ जाओ। अगर बोला तो सब बाहर आ जाओ, सबके सब आते। तो प्रभु जी ने जब बोला लाजरस तुम बाहर आ जाओ, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु मान कार्य करना चाहता है और वो हम लोगों को सिखाता है सच्चाई क्या है। प्रेज गॉड। जब प्रभु यीशु ने ओ प्रवचन कर रहे थे, लोग भूखे प्यासे थे, हाँ 3 दिन खत्म हो गया था, तो प्रभु ने क्या बोला अपने शिष्य को? इनको कुछ भोजन दो, बोला ना? तो लोग ने क्या बोला? अरे इतने लोगों को भोजन देने के लिए कितने पैसे लगेंगे, और पैसे भी हो गए तो ये कहाँ से मिलेगा, ये तो रेगिस्तान में हम। तो प्रभु ने क्या किया? सबको बिठाया। तो मुझे लगता है एंड्रू था जिसने एक बच्चे को बुलाया, लेके आया, बोला इसके पास 2 रोटी क्या, 5 रोटी, 5 रोटी 2 मछलियां, 5 रोटी और 2 मछलियां। तो प्रभु ने बोला अरे इतने में खाना खिला सकता है क्या? क्या बोला प्रभु ने? ले आओ। और क्या किया? अपने पिता को धन्यवाद दिया। तो बार बार हम देखते हैं प्रभु यीशु जो भी कुछ कार्य करता है अपने पिता को पहले धन्यवाद देता है फिर कार्य करता है। हम लोग कभी देते हैं धन्यवाद काम होने के बाद? काम होने के बाद बच्चा नहीं, वो शिष्य एंड्रू, एंड्रू फिलिप था। आपका नाम एंड्रू है? उनका नाम क्या है? आपका नाम एंड्रू है? मेरा नाम जॉनसन है, लेकिन मेरे नाम का जॉनसन दूसरे का खून भी कर सकता है, हथियारा भी हो सकता है। हेलो, तो किसी ने अपने बच्चे को जीसस का नाम दिया तो वो जीसस बन गया? बन जाएगा एक दिन बन जाएगा। नहीं, उधर लिखा है, लिखा है बाइबल में लिखा है।
हालेलुया। मुझे बराबर नहीं मालूम क्या नाम है लेकिन लिखा है शिष्य का नाम शिष्य ने शिष्य का नाम को लेकर ठीक है यार। तो सबसे पहले बड़ा बात क्या है, वो एंड्रू हो फिलिप हो पीटर हो कुछ भी हो, सबसे बड़ा महत्व क्या है कि उसने आके बोला इतना ही है। तो प्रभु ने क्या बोला, कोई बात नहीं इतना भी काफ़ी है। प्रभु ने धन्यवाद दिया और फिर सब कुछ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे जीवन में कुछ मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले धन्यवाद देना। लेकिन हम लोग धन्यवाद कब देते हैं, डिलीवरी होने के बाद। प्रभु ने धन्यवाद कब दिया, काम होने के पहले, डिलीवरी के पहले। संसार क्या बोलता है, पहला देखने तो फिर धन्यवाद दूंगा। प्रभु क्या बोलता है, पहला आत्मिक आंखों से देख, धन्यवाद दे, फिर तुझे दिखाई देगा। तो संसार और प्रभु का राज्य दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मन है, एक दूसरे के विरोधी है। तो हमारी जो ज्ञान है बाइबल में से ज्यादा है कि संसार में से है? एक उदाहरण देता हूं। एक भाई बहुत प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दर्शन में देखा एक औरत बस स्टॉप पे खड़ी है लाल कपड़ा पहने हुए, और उसने उस दर्शन में देखा कि प्रभु बोल रहा है यही तेरी बीवी होगी, ठीक है। और वो बस स्टॉप उसके घर के सामने है। अब ये किधर जाएगा बोलो, दर्शन में क्या देगा, बस स्टॉप पे एक औरत खड़ी है लाल कपड़ा पहन के, यही इसकी बीवी होगी, ऐसा देखा। तो अब ये जाएगा कहाँ, बस स्टॉप पे, चर्च में जाएगा। चर्च जाएगा कि बस स्टॉप जाएगा, बस स्टॉप पे, बस स्टॉप पे जाएगा, बराबर है। सब बोलते हैं ना बस स्टॉप पे। ये कैसा तुम्हारा आंसर राइट हो गया, बाइबल का कुछ पूछते तो उल्टा बोलता है, लाइन मारने का पूछते तो बराबर बोलता है। अच्छा वो औरत बस में चढ़ गई, ये क्या करेगा, बस में चढ़ जाएगा, ये भी बराबर बोल रहा है, ये कैसा हो गया। पीछे बच्चे बैठे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो मैं पूछ रहा हूं तो गलत जवाब दे सकता ना, लेकिन ये तो बराबर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। वो औरत बस स्टॉप में छठे बस स्टॉप पे उतर गई, ये क्या कर, नहीं नहीं इतना फास्ट नहीं है वो, बात करने के लिए कुछ समय लगता है, तुरंत बात करेगा तो चाटा भी लग जाएगा। दूसरे दिन वो कहाँ रहेगा, उसी बस स्टॉप पे। एक हफ्ते के बाद थोड़ा तुतु में होगा, थोड़ा थोड़ा बातचीत होगा। बातचीत होने के बाद एक महीने के बाद वो बोलता है प्रभु ने मुझे कहा है तुमसे मुझे शादी करना है। तो औरत बोलती है नहीं मैं तो तेरे से कभी शादी नहीं करूंगी, अरे मुझे तो दर्शन में दिया था तुम्हारे साथ शादी करने, और तुम बोलते हैं शादी मत करो, शादी नहीं करेगी। तो जाते हो काउंसलर के पास और बोलते हैं मैंने दर्शन में देखा, प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने ये मुझे कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये औरत मेरे से शादी क्यों नहीं कर रही है। तो काउंसलर भी परेशान, तो प्रभु से पूछता है प्रभु मुझे कुछ बुद्धि दो। तो प्रभु उसको बोलता है उसको पूछ उसके घर में लोग क्या क्या करते हैं, पूछो तुम्हारे घर में कौन कौन है। बोलते एक माँ है, एक पिताजी है, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, और मेरी बीवी है और तीन बच्चे हैं। अब उसकी बीवी और बच्चे हैं तो प्रभु उसको बोलेगा क्या और एक शादी करने, नहीं। तो ये दर्शन कहाँ से आया, प्रभु से आया कि दुष्ट जगह से आया, ये हकीकत में हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो हमको जब भी कुछ प्रार्थना करना है जो कुछ भी करना है सबसे पहले यह देखना है प्रभु का वचन क्या बोलता है, और वचन के खिलाफ कुछ भी दर्शन आए इसने ये बोला वो बोला वो कभी सच नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी होता है इस वचन के अनुसार ही होता है।
कोई अभी बहुत दुखी हो गया, शायद उसको भी कुछ ऐसा दर्शन आया था लगता है। नहीं, वो लोग शादीशुदा है। मजाक कर रहा हूं भाई। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसीलिए कभी कोई आपको आके बोलता है मुझे कुछ मैसेज मिला है, तभी सावधान रहना मांगता है। अगर उसने मैसेज दिया और वो वचन के विरुद्ध है, तुम्हारा तो बैंड बज गया। बहुत सावधान रहना मांगते। आजकल तो सब लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, ए ब्रदर जरा मेरे पर प्रार्थना करना। प्रार्थना किया, कुछ मैसेज आया? पूरा बाइबल ही मैसेज है। ये एक नया तरीका है ज्योतिषी का। ज्योतिषी मालूम है? किसी ने मुझे कहा, अरे भाई ये आदमी को आके मिलो, तुम्हारा गाड़ी का नंबर बताता है, तुम्हारा टेलीफोन नंबर बताता है, आके मिलो वो तुम्हारा भविष्यवाणी करेगा। मैंने कहा मैं जब पहला प्रभु को मिलने के पहले मैं महाबलेश्वर जा रहा था, गया था दोस्तों के साथ। एक छोटा सा लगभग रहेगा 24-25 साल का युवक ऐसा जा रहा था धोती, मेरे को देखा और मेरे को मेरा पिछला जिंदगी में जो हुआ है ना को नहीं मालूम, वो मेरे को बताया तीन चीज। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को पूछा वो जो बोल रहा है वो सच है क्या? मैं बोला हाँ सही है। तो लोग सब बैठ गए रास्ते के बाजू में, बोला हमारा भी बताओ कितना लगेगा? 50-50 रुपया। ये जो औरत थी हमने देखा एक्ट 16 में, वो क्या कर रही थी? भविष्य बता। कौन से आत्मा से? बुरी आत्मा से। जो आदमी भविष्यवाणी करता है वो अपने और लोगों को खींचता है, लेकिन जो प्रवचन करता है वो उसको प्रभु की ओर खींचता है। अगर आप प्रवचन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आप लोगों को आपकी ओर खींच रहा है, आत्मा गलत है। जब भी आप प्रवचन करते हो जिससे लोगों का विश्वास प्रभु पे जाता है, आप पर नहीं, आपका आत्मा सही है। ज्यादा करके लोग किसके पीछे भागते हैं? प्रवचन वाले के पीछे कि प्रभु के पीछे? सच्ची बोलो किसके पीछे भागते हैं? प्रवचन वालों के पीछे। उधर ही लड़ा होता है। प्रवचन वाले का काम क्या है? प्रवचन करना, सिखाना और बाद में गुल होना। प्रवचन इस तरह से सिखाना जिससे लोग प्रवचन वाले को देखेंगे भी नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु की ओर उनका ध्यान होगा। लेकिन जो ऐसे पढ़ाता है जिससे लोग उसके ओर खींचा जाता है, तो वो बहुत बड़ा बुरा आत्मा है, प्रभु का आत्मा नहीं है। अभी ये शिष्यों ने भी पढ़ाया, पौलुस ने भी पढ़ाया, पेतरुस ने पढ़ाया, यूहन ने पढ़ाया, लेकिन इन्होंने जब भी पढ़ाया लोगों को किसकी ओर खींचा? ईश्वर की ओर। अभी जो हो रहा है किसके पीछे वो भाग रहे हैं? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। 1 पेत्रुस 3:13, यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे, यदि हम भलाई करने में लगे रहेंगे, तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? हाँ, अगर आपके हृदय में एक ही है, मुझे सभी लोगों के जीवन में भलाई करना है, और ये अगर आप सचमुच में अपने हृदय से कर रहे हैं और इसमें कुछ छुपा रुस्तम कोई योजन नहीं है, सच्चाई है, तो आपके विरुद्ध जो भी आएगा वो आपका बुराई नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखिए 1 पेत्रुस 3:13 में लिखा है, जो कोई भी अच्छाई करता है
और अच्छाई के पीछे लगता है, तो उसके विरुद्ध कोई बुराई नहीं कर सकता, तब उसके विरुद्ध कोई बुराई नहीं कर सकता। हमने पढ़ा कि ये बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है जो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये बहुत अच्छा है जो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद देने से, प्रभु अपने राज्य का फाटक खोल देता है। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? मिल गया, मिल गया। क्योंकि धन्यवाद देने से प्रभु अपने राज्य का फाटक खोल देता है। जहाँ पर प्रभु के राज्य में कोई बुराई नहीं है, तो अगर आपको प्रभु के राज्य का फाटक खोलना है, क्या करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने से क्या होता है? राज्य खुल गया, एक्सेस मिल गया। अब जब आप राज्य में जी रहे हैं, वहाँ पे कोई बुराई करता है राज्य में? नहीं। वहाँ पर क्या है? प्रेम है, दया है, क्षमा है, कृपा है। और इसकी जब आपको आदत लगती है, तब कोई भी आपको बुरा करने भी आया और कर भी दिया, आपका धन्यवाद देने का बंद नहीं होता है। और वो धन्यवाद देते देते आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े मार्ग खोलता है, जिससे प्रभु आपको सिखाता है कि कैसे हम हर पल विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपने ये कभी सीखा है? आपने ये कभी सुना है? जब से ये मेरे जीवन में आया, मेरा जिंदगी पूरा का पूरा नाश हो गया। सुना है कि नहीं सुना है? कोई लोग बात भी नहीं करते, मेरे तरफ देखता भी नहीं है। अरे एक दो जन ने तो मुंह ही घुमा लिया, क्या बात कर रहा है? हाँ, कभी ऐसा बोलता है किसी ने? सुना है? आप लोग ने कभी बोला है? शादी नहीं हुआ ना? हाँ, ये शादीशुदा वाले लोग को पूछना, बोला रहेगा। इससे क्या ये सच है कि झूठ है? भाईजान बोलो, सच है कि झूठ है? बीवी इधर है? देखिए, हमने आज तक जो सुना ना, ये बात, ये सबसे बड़ी झूठ है। हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। चलो, आप हो गए जीसस। आपने किसी का बुरा किया? जीसस ने किसी का बुरा किया? नहीं। लेकिन उनके खिलाफ बुरा किया था, तो उनके खिलाफ जो बुराई हुई थी और आपके खिलाफ जो बुराई हो रही है, इसमें कुछ कंपैरिजन है? किसकी बुराई ज्यादा है? आपके जीवन में बुराई हुई वो ज्यादा है कि प्रभु यीशु के जीवन में बुराई हुई वो ज्यादा है? प्रभु यीशु के जीवन में। तो आपकी बुराई को कंपेयर कर सकते हैं क्या? वो तो उसके सामने बराबर है। तो क्या प्रभु यीशु जीत गए क्या? अगर प्रभु यीशु के विरुद्ध इतना बुराई किया, फिर भी वो जीत गए क्या? नहीं।
जीत गए। कैसे जीत गए? अच्छाई से जीत गए। तो भले ही बुराई किसी ने किया, उस बुराई पे आप विजय कैसे पाओगे? अच्छाई से। तो कोई आके बोलता है, अरे उसने तेरे को चार गाल पे चाटा मारा, तू तो हार गया ना, तू तो मुंह खोला नहीं ना, तू तो हार गया। नहीं 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 नहीं, जिसने चाटा मारा उसने मार के हो गया। अब जिसने खाया चाटा, उसका रिस्पॉन्स क्या है, उससे साबित होता है वो जीता क्या हार गया। जैसे जीसस को वो लोग ने पीटा, काटों का मुकुट लगाया, थूका, इंसल्ट किया, क्रूस पे भी मार दिया, फिर भी प्रभु यीशु ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोला। फिर उनका सारा का सारा कपड़ा निकाला। अब जब किसी को नंगा किया जाता है तो उसका ध्यान किस पर होता है? अपने शर्म पर, बराबर है। तो जब भी हमारा ध्यान हमारे पर आता है तभी पाप होता है। आपको कभी गुस्सा आया? कब गुस्सा आता है? जब आपका ध्यान किधर है? अपने ऊपर, अपने आप पर है। कभी दर्द होता है? जब ध्यान अपने आप पर होता है। तो शर्म जब मैं डाला था और वो जुगाड़ खेल के देख रहे थे इनका कपड़ा किसको मिलेगा, प्रभु यीशु क्रूस पर से देख रहे हैं, तब उन्होंने मुंह खोलते हुए बोला अपने पिता से, क्या कहा? ए पता, ये लोग ने मुझे इतना तड़पाया है, आप कपड़े भी उतार दिए, इनको छोड़ना नहीं, चुन चुन के बूंद बूंद से मार मार के ख़त्म कर दो। क्या बोला? ए प्रभु इनको क्षमा करना। खुद के बारे में कुछ बोला क्या? जब हम शर्मिंदा में डाले जाते हैं तब शर्म क्या करता है? पूरा दिमाग हमारा किस पे रहता है? हमारी शर्मिंदा पर। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत ईमानदार आदमी है, कभी रिश्वत नहीं लेता है, कुछ नहीं करता, अच्छा आदमी है, उसके वजह से जो रिश्वत दे रहा है उसको भी लेने चांस नहीं मिलता है। हाँ, तो सोचते ये जब तक डिपार्टमेंट से जाएगा नहीं, हम खुद तो नहीं खाते, हमको भी खाने नहीं देता है। सुना है क्या वो डायलॉग? Yes, एक तो खुद नहीं खाता है, दूसरों को भी खाने नहीं देता है, भिखारी के जैसा रहता है। अभी तक तो हमारे चार पांच बंगले हो गए होते, ये जब से आया सब बंद हो गया। सुना है कि नहीं? तो उसको फंसाने के लिए कोशिश करते हैं और उसको फंसा डालते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है, उसको लोग थूकते हैं, लेकिन सच्ची में ये ईमानदार है, ठीक है। तो जब ऐसा दाग लगता है वो दिन भर क्या सोचता है? जिसके ऊपर ऐसा दाग लगता है वो दिन भर क्या सोचता है? खुद के ऊपर सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊं। वो खुद खुद के ऊपर सोचते 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 खलास हो जाता है। शर्म जो ऐसी चीज़ है, ऐसा एक हथियार है जो शैतान इस्तेमाल करता है कि वो शर्म गिरने के बाद वो आदमी वापस खड़ा ही नहीं होता है। और प्रभु हमारे लिए, हमारा शर्म प्रभु ने लिया, उन्होंने खुद पर नहीं सोचा, शैतान ने सोचा अभी ये फंस गया, अब ये अपने बारे में सोचेगा, लेकिन प्रभु ने उस पर भी आक्रमण किया और क्या कहा? ए पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये जैसे ही प्रभु ने ये शब्द बोला शैतान हार गया। जितने बार हमारा ध्यान हमारे खुद पर होता है उतने बार हम हारते हैं, जितने बार हमारा ध्यान दूसरों की अच्छाई के ऊपर है, भलाई पर है, उतना हम आक्रमण जीतते हैं। आप बताइए 24 घंटे में आप कितना घंटा खुद के बारे में सोचते हो? भाईजान सोचते हो कि नहीं? बेटा सोचते कि नहीं? माँ जी आप सोचते कि नहीं? क्या प्रभु यीशु ने खुद के बारे में सोचा? अच्छा, पेत्रुस, यूहान, जॉन, जेम्स, ये लोग खुद के बारे में सोच रहे थे शिष्य बनने के बाद भी,
हाँ, इसके लिए जब प्रभु यीशु को दफनाया गया, फिर तो उसने क्या बोला, चलो हम जाएंगे धंधे पे, मैं तो जा रहा हूँ, तुम तो आ जाओ। 3.5 साल ऐसे भी खराब हो गए, अभी और क्या करना है, चलो जाएंगे, मैं तो जा रहा हूँ, किसको किसको आना है आ जाओ। पितरों ने सारे शिष्यों को ले गए। कुछ मछली मिली? नहीं मिली। क्या एक आदमी जो किनारे पे था, उसने पूछा क्या, कितनी मच्छी मिली? क्या बोले? अरे यही अगर बम्बई का आदमी रहता ना, जिसको कोई मछली नहीं मिली और पूछा कितने मछली, ए जाना तेरा काम करना, दिमाग चाट रहा है। एक तो कुछ धंधा नहीं हुआ, ऊपर से पूछे कितनी मछली मिली, तेरे को क्या करनी है। राजस्थान में ऐसा होता है? नहीं। कितने भले लोग हैं यार, हम लोग मुंबई वाले ही ऐसे। राजस्थान में समंदर नहीं है। अच्छा, दिल्ली वाला क्या बोलेगा? दिल्ली वाला बोलेगा ना, यमुना नदी बराबर बोलेगा, ठोक ठोक के बोलेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या बोले? मिली। तो प्रभु ने क्या बोला, फेंक जाली, जाली फेंक। जैसे जाली फेंकी, मच्छी मिली, युहान ने पेत्रुस से कान में बोला, वो जो खड़ा है ना, वही हमारा स्वामी है, प्रभु है, यीशु है। पेत्रुस ने क्या किया, ए छलांग मारी, कपड़े भी लंगोटी में था, जाकर प्रभु यीशु के सामने खड़ा हो गया। प्रभु ने उससे क्या जवाब पूछा, क्या तुम मेरे से प्रेम करते हो? पेत्रुस ने क्या बोला, हाँ। आज प्रभु यीशु अगर आपसे पूछता है, क्या तुम मेरे से प्रेम करते हो, क्या बोलेगी? हाँ करते हैं। तो प्रभु तुमको क्या बोलेगा? मेरी भेड़ों को। नहीं, मेरी भेड़ियों नहीं, जाके घर जाके सो जाओ। क्या बोलेगा प्रभु यीशु? मेरी भेड़ों को चराओ, खिलाओ, खिलाओ। तो जो बोल रहे हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु का दूसरा शब्द क्या है? जैसे ही बोला प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, वहां से आवाज क्या आएगी, मेरे से प्रेम करता है, जा मेरे भेड़ों को चराओ। हम लोग क्या बोले, वो है ना बाजू वाले को देना, मेरे को नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, काम पे जाना है, काम पे जाना है। हमारा प्रेम ढोंगी का है, क्योंकि ये संसार ने सिखाया है, रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहला। स्कूल में नहीं सिखाया, व्हाट इज योर बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा और मकान। प्रभु हमको क्या सिखाता है, व्हाट इज योर बेसिक नेसेसिटी, सबसे पहले प्रभु का राज्य खोजो और उसकी धार्मिकता को खोजो, और फिर रोटी कपड़ा और मकान मेरा पिता तुमको मुफ्त में देगा। हालेलुया। हम लोग सबसे पहले क्या खोजते हैं, नौकरी, और उस नौकरी में कितने घंटे निकालते हैं रोज के, 8 घंटे तो उधर आने जाने में, 2 घंटे 10 घंटे ओवर टाइम में, तो पूरा जिंदगी किधर निकाला, घर में भी नहीं निकाला, नौकरी में निकाला। और कोई अगर दुबई विबई पूछ गए तो 2-3 साल के बाद घर पे आता है, बराबर है, तब बीबी भेजेगी दुबई जाने, भेजेगी ना, दिराम आएगा ना घर में। लेकिन वही पति बोलते हैं मैं प्रभु के काम के लिए जा रहा हूं, 1-2 दिन चुप बैठी है, तीसरे दिन बोलेगी तुमको कुछ दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जब पैसा आता है जाओ, पैसा नहीं आता है तो नौकरी पे लग जाओ। तो सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? पैसा। हेलो, सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? पैसा। बराबर नहीं सुना, बराबर बोलो, पैसा। तो हमारे मन में पूरा 24 घंटे में से कितना घंटा पैसा कैसे कमाना है वो सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सब मेरा चेहरा देख रहे हैं, क्या बात कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको तो भूख नहीं लगती है, पेट इतना बड़ा है।
ऊंट के जैसे एक दिन खा लिया तो पांच दिन आठ दिन तो आराम से निकल जाएगा। हमारा तो मुंह पेट जितना पेट है, एक लीटर डाला तो कभी खत्म होता पता नहीं चलता है। हाँ, प्रेज गॉड। चलो पढ़ेंगे हम हबाकुक चैप्टर तीन। हबाकुक चैप्टर तीन वचन नंबर 17। यहाँ पर हम देखेंगे भले ही हम कितने गहरा कुएं में या खड्डे में गिरेंगे, स्तुति करने से धन्यवाद देने से हमको प्रभु अवश्य उस खड्डे में से बाहर निकालेगा। बाहर निकालेगा ही नहीं, जरूर निकालता है। सुनिए, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। अभी ये सब खुशखबर है क्या? सब बहुत दर्द हुआ, बुरा खबर है, बुरी खबर, सब जगह पे नुकसान ही नुकसान हुआ है। नुकसान लिखा है ना, नुकसान हुआ है। यस। तो ऐसा नुकसान हुआ इंसान क्या करेगा? दुखी होगा, निराश। फिर अपने दोस्तों को बोलेगा, पूछेगा, अरे कुछ पैसा लोन मिल सकता है क्या, थोड़ा पैसा देगा क्या, चुकता कर दूंगा यार, ये एक बार दे देना, जैसे पैसा आएगा तुमको दे देगा, देखा मेरा इतनी बड़ी आमदनी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा 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 सफलता में थोड़ा लफड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा भेज देना, थोड़े लाख भेज देना, सब ठीक कर दूंगा और वापस ढूंढूंगा, ब्याज पे पैसे भी ले लिए। अगले सीजन में क्या हुआ? और बुरा हुआ। अब इसकी समस्या बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। एक जगह पे खेती में घट गई और अभी वो ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा है, उसमें भी लफड़ा हो गया है। तो जिसके जीवन में ऐसा लग रहा है सब उल्टा चल रहा है, उसका दवाई क्या है? उसमें से बाहर निकलने का कौन सी दवाई है? जिसके जीवन में सब बुरी खबर है, उसको बुरी को अच्छाई में बदलने के लिए उसको क्या करना है? हाँ, वो बोलता है क्या करना है, देखिए। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। क्या होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा। प्रसन्न होगा मतलब मैं आनंदित होऊंगा, मैं आनंद में नाचूंगा गाऊंगा, भले मेरी परिस्थिति खराब है लेकिन प्रभु मेरे साथ है और प्रभु के साथ होने के कारण मैं आनंदित होऊंगा। फिर अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। किसके कारण आनंद मनाऊंगा? अपने उद्धारक ईश्वर के कारण। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आनंद और खुशियों में फर्क है। आनंद और खुशी में फर्क है कि नहीं? फर्क है। आप आनंदित हो कि खुश हो? मेरे भाई बोलो यार, कुछ चिंता में गिर गए, आनंदित है खुशी नहीं है? अरे खुश ज्यादा है कि आनंदित ज्यादा है? खुश कम है, तो दोनों में फर्क क्या है? हाँ, खुशी तो खुशी थोड़ी देर के लिए होती है और आनंद हमेशा के लिए होता है। यस, सही बात है। तो जो 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 मेरा आनंद कम हो गया तो आनंद नहीं था, खुशी था, कम समय का था। आनंद और खुशी में क्या फर्क है? हाँ, आनंद सुख भी ना,
आपने इतने बार YouTube में टीचिंग सुने हैं ना, इसके बाद भी आप ऐसा जवाब दे रहे हैं। बोलिए भाई। तो इसका मतलब प्रभु यीशु ने जब क्रूस उठाया वो खुश थे, दुखी थे, आनंदित थे yes. जब क्रूस उठाया तभी आनंदित थे। अच्छा मैं खुशी नहीं है तो आनंदित कैसे रहेगा? तो वही बोल रहा हूँ ना, ये लोग औरत लोग को समझ में नहीं आता है। अच्छा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप अभी लाइव क्रिकेट देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का लास्ट बॉल है, इंडिया बैटिंग कर रहा है, मैच कोई भी जगह पे घूम सकता है, ठीक है। लास्ट बॉल डाला और इंडिया ने मारा और छक्का ने मारा, वो जा रहा छक्के पे और उस प्लेयर ने कैच पकड़ लिया, तो इंडिया हारा कि नहीं? हारा। लेकिन कैमरा उसके पैर की उधर घूम रहा है और उसने वो पैर रस्सी के भार पकड़ा, अब इंडिया जीता कि नहीं? जीत गया, बराबर है। अब ये मैच आपने लाइव देखा तो लास्ट बॉल पे धड़कन लग रही थी, ढप ढुप ढप ढुप ढप ढुप, और वो कैच पकड़ रहा था तभी पूरा होश गया, फिर नीचे पैर क्यों देखा, ए चिलम चिली हुई कि नहीं? हाँ। अब रात को वही मैच हाईलाइट देख रहा है और मैं आपके घर पे आया हूँ, मुझे तो मैच के बारे में कुछ नहीं मालूम, लास्ट के दो बॉल है, अभी प्रेशर में कौन रहेगा, मैं रहेगा कि आप रहेंगे? आपको प्रेशर रहेगा कि मेरे को प्रेशर रहेगा? मैच तो आपने देखा है ना, जीता वो भी देखा है ना, तो अभी आप खाली हाईलाइट देख रहे हैं ना, तो आपको प्रेशर आएगा कि मेरे को प्रेशर आएगा? आपको क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने देखा है मैच, उसका फैसला मालूम है। उसी तरह आनंद कौन होता है? जिसको ये वचन के बारे में विश्वास है, इसमें क्या लिखा है उसकी उसको जानकारी है, वो जानता है, वो विश्वास करता है, इसके लिए वो भले ही कुछ भी हो वो आनंद देता है। एक उदाहरण देता हूँ, आपके कितने दो बच्चे हैं कि और है? उतने ही हैं क्या और है? दो ही है। तो ये जब बहन शादी किया पहले, इनको मालूम था क्या प्रेगनेंसी क्या होता है? खाली स्कूल में कॉलेज में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे होता है, नौ साल लगता है बच्चा, नौ साल के नौ महीना, नौ साल बोला वो, उसमें ही नर्वस हो गई, नौ महीने ठीक है, नौ महीने मैंने तो जानबूझ के नौ साल बोला, उनका छेड़ा एकदम भड़क उठा। अभी आपको प्रेगनेंसी क्या है वो नहीं मालूम था, बराबर है। नौ महीने में चक्कर आया, खाना खाता है उल्टी हुआ, कितना मुसीबत है। और ये सब मुसीबत होने के बाद वो जो पतली थी वो सिलेंडर के जैसी मोटी हो गई। हाँ, तो कांच में देखती है, बोलती है ये मैं हूँ, सही है। और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं अगले महीने में तुम्हारा डिलीवरी होने वाला है, लेबर पेन होने वाला है। लेबर पेन के समय बहुत सावधान होना मांगता है, श्वास लेना है छोड़ना है, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, पुश पुश पुश। हाँ, ये सब बोलने के बाद वो समय आता है लेबर पेन का। कितना टाइम था लेबर पेन पहला बच्चे का? हाँ, सिर्फ आधा घंटा बच गई। कितने लोगों को कितना होता है? किसी किसी को पूरा। आपको कितने
समय तक था लेबर पेन इनके इनके मिस्टर के टाइम, फिर भी भूल गए, अब तो भूल गए, अभी क्या मैं याद रखने का, अभी कोई कोई लोग को कितना है? आधा दिन, पौना दिन, कभी कभी एक दिन भी होता है, हाँ एक दिन था ना, कितना चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। अभी आपके कितने बच्चे हैं? पहला में एक दिन का लेबर पेन होने के बाद भी तीन लाया। अभी आप बताइए मेरी बहन, अगर पहला बच्चे में इतना दर्द होता है और इतना दर्द होके बच्चा पैदा होता है, ओ माँ क्या बोलिए, आइंदा से मेरे को बच्चा नहीं चाहिए। ये माँ देख रहा, एक दिन का दर्द होने के बाद भी बोलता है पति को और तीन मांगता है। क्यों बोलती है, क्यों बोलती है? क्योंकि जैसे ही वो बच्चा गोदी में आता है, माँ अपना दर्द भूल जाती है। तो वो 9 महीने में उनको ये हिम्मत कहाँ से आती है, ये जानते हुए कि मेरे कोख में हो रहा है एक बच्चा। देख नहीं सकती हूँ लेकिन गारंटी है, गैस नहीं है, बच्चा ही है। और ये बच्चे के साथ मैं पूरा उम्र खेलते रहूँगी, उसी को आनंद बोलता है। और प्रभु का आनंद हमारा शक्ति है, मतलब प्रभु ने दिए हुए वचन पर जब मैं आनंदित होता हूँ, वो मुझे इतनी शक्ति देती है कि मैं दुश्मनों का सामना कर सकता हूँ बगैर डरे। क्यों? क्योंकि उधर वचन में लिखा है। तो हम आनंदी वाले लोग हैं कि खुशी वाले लोग हैं? खुशी वाले लोग कैसे हैं? आपने मेरे को कुछ अच्छा किया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। 2 दिन के बाद आपने मेरे लिए कुछ बुरा किया, तो खुशी किस पे पलती है? आपके कार्य के द्वारा। आनंद किस पे पलती है? दूसरों की कैसे भी परफॉर्मेंस हो, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस प्रभु के वचन पे होने के कारण मैं आनंदित हूँ। जिस तरह हम मैच का हाईलाइट देखते हैं, उसी तरह हम वचन को देखकर हमको हाईलाइट मिल गया है, ये मैच में हम ही जीतने वाले हैं। बोलिए, खुशी समय के लिए कैसे होती है? जब तक आप मेरे अच्छा कर रहे हैं मैं खुश हूँ, जैसे ही आपने कुछ गड़बड़ किया मेरी बस। आनंद कैसा है? नहीं नहीं आनंद ये वचन से होता है। हाँ लेकिन जो माँ उस समय वो बच्चे के बारे में नहीं सोचते, खुद के बारे में सोचती है, वो चिल्ला चिल्ला के बच्चे को मार भी देती है। अभी ये डिलीवरी के समय, एक मिनट, ये डिलीवरी के समय अगर माँ डर गई और नर्वस हो गई, बच्चे पे फर्क गिरता है? पूरा फर्क गिरता है। लेकिन जो माँ आनंदित है, उनकी डिलीवरी भी आसानी से होती है। अभी मैं तो बहुत बार खून देने जाता हूँ, तो मैं एक बार मैं जा रहा था, तो डॉक्टर जो खून लेती है उसको देख उनको देखा, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, अरे खाड़ी रोक, उनके गाड़ी में घुसता हूँ, तो बातचीत होगी। तो बातचीत करने गया तो उतने में एक फ़ोन आया, और उधर बातचीत चल रहा था ए बी पॉजिटिव। मैंने दिल में सोचा ए बी पॉजिटिव तो मेरा है, तो मैंने उनको बोला खून की ज़रूरत है, बोला हाँ, तो मैं बोला मैं आता हूँ, चलो जाएंगे। तो उनको बोला मेरे को प्रवचन के लिए जाना है, ज़रा जल्दी कर देना। बोला ठीक है, 10 मिनट लग जाएगा। तो मैं बोला ठीक है चलो, सो गए। मुझे सुई लगाई, बाजू में 2-3 जन थे, और 1-2 मिनट में आके सुई निकल दी। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है क्या? बोला गड़बड़ कुछ नहीं है। मैंने बोला वो लोग ने मेरे से पहले लगाया, उनको आप ही निकाला नहीं, हमारा निकाल दिया। तो उन्होंने बोला जिसकी इच्छा होती है, प्रेम होता है, डर नहीं होता है, खून 2 मिनट में भर जाता है। जिसके अंदर डर होता है, सुई लगाए 5 मिनट भी होएगा तो धीरे 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 आता है खून, जल्दी से नहीं निकलता है। तो हमारा जो मन है ना, क्या सोचता है
उसी से निर्बल होता है। मैं आनंदित में है, खुशी में है, डर में है, चिंता में है, सब पूरा कारखाना यहाँ पे फिट होता है। तो ये बोल रहा है मेरे जिंदगी में सब बुरा बुरा हुआ है, इतने मुसीबत में है मैं, लेकिन मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ और मैं उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करूँगा और इस मुसीबत से मैं बाहर निकलूँगा। वो फॉर्मूला क्या है देखिए 18वां वचन। तब भी मैं मतलब क्या, ये सब हो रहा है वो होने के बावजूद भी तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। मेरे बीवी में प्रभु के कारण, मेरे पति में प्रभु के कारण प्रभु में प्रसन्न होऊंगा। हम लोग प्रभु में प्रसन्न होते कि पति में पति का मूड अच्छा, बीवी खुश, पति का मूड थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया तो पत्नी का भी मूड ऐसा ऐसा होता है, नहीं होता है? आप क्यों सीरियस हो गए भाई, कुछ उल्टा बोला क्या मैंने? कुछ सोच रहे क्या, घर का कुछ ज्यादा है? आनंदित हो गए हैं। हालेलुया। हम प्रभु में आनंदित होते हैं कि अपने पति पत्नी में? प्रभु में। बोलो। प्रभु में आनंद होते हैं। पढ़िए। तब भी मैं प्रभु में प्रसन्न होऊंगा। तभी मैं प्रसन्न होगा किसमें? प्रभु में। हाँ, तभी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। तभी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। हमारे जिंदगी में हमारा रिश्ता किसमें प्रसन्न करता है? प्रभु में कि मेरे पति में, मेरे बच्चों में? हमारा मन किस में अटका है? रिश्तों पर, परिवार के लोगों में, परिवार के लोगों में कि प्रभु में? परिवार। जिस दिन मुझे समझ में आया मेरे जीवन की खुशी मेरी बीवी से नहीं आती है, मेरे बच्चों से नहीं आता है, मेरे धंधे से नहीं आता है, पैसों से नहीं आता है, इस संसार के किसी चीज से नहीं आता है, मेरे जिंदगी की आनंद और खुशी प्रभु से आता है, वही मेरा मुख्य सोर्स है। मेरी बीवी उस सोर्स की चैनल है, मेरे बच्चे उस सोर्स के चैनल है, लेकिन वो लोग सोर्स नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मैं खुद, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हमारा जो सोचने का ढंग एक सरीका होता है कि ऊपर नीचे भागता रहता है, अलग अलग होता है। तो मैं जब ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करता हूँ जिसकी सोच ऊपर नीचे होती है तो कभी मुझे आनंद दे सकता है? लेकिन जब मैं प्रभु के पास जाता हूँ, प्रभु की सोच कैसी रहती है, ऊपर नीचे होती है कि एक सरीका होती है? तो हमको ये याद रखना है, हमारे घर के कोई भी लोग, इस संसार का कोई भी इंसान मेरा सोर्स नहीं है, सोच तो सिर्फ प्रभु है, और उनसे मैं अपेक्षा कर सकता हूं लेकिन अपने लोगों से मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। और हमारी अपेक्षा किस पे होती है? लोगों से कि प्रभु से? लोगों से। और जब वो इम्परफेक्ट है वो मुझे परफेक्ट कैसा रिस्पॉन्स करेगा? तो वो वही बोल रहा है कि भले ही मेरे जिंदगी में इतनी सारी बुराई हुई है लेकिन इन सारी बुराइयों में मैं आनंदित होऊंगा। किसमें? मेरे प्रभु में। प्रभु में आनंदित होना मतलब क्या? प्रभु के शब्दों में मैं आनंदित होऊंगा, प्रभु ने दिए हुए वचनों में मैं आनंदित होऊंगा, प्रभु ने जो शब्द कहा उसके बारे में मैं सोच के आनंदित होऊंगा। हालेलुया। और आनंदित होना मतलब क्या? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जब मैं आनंदित होता हूँ यह आनंद मुझे ऐसा ताकत देता है जिससे शैतान
पूरा ढगमगाता है। शैतान चाहता है कि मेरे अंदर क्या हो, भय हो, चिंता हो, विश्वास ढगमगाता हो, दुखी हो, ताकि वह मुझे सता सकता है। लेकिन जिसमें आनंदित होता है शैतान उसको कभी हरा नहीं सकता। और इसीलिए जब प्रभु यीशु को वो क्रूस मिला, प्रभु यीशु आनंदित हुए। किस बात पर आनंदित हुए? वो आनंदित हुए कि जब उनको क्रूस पर मारा जाएगा और उनका पवित्र लहू उस क्रूस पर बहेगा, तो सारे संसार के जो पाप है वो उस क्रूस पर आएंगे और उनका पवित्र लहू सारे पापियों का पाप मिटा दे, जड़ से उखाड़ कर उनको पवित्र करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का जो ध्यान था खुद पर नहीं था, हम सब पर था। उसी तरह हमारा जब ध्यान दूसरों पे होता है, दूसरों की जिंदगी की अच्छाई पे होता है, तो हम आनंदित होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं। नहीं नहीं, जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग दुखी है लेकिन हमको मौका मिलता है हमारे कार्य के द्वारा दूसरों का दुख हम निकाल सकते हैं, इस ज्ञान से, इस सोच से हम आनंदित होते हैं। उदाहरण, हम यहाँ पर आए हैं रिट्रीट बनाने, खर्चा तो किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जब हम संख्या कम देते हैं तो हमको क्या होना है? निराश। देखो, हम अभी आए 500-600 आदमी लोग थे, 1000 के ऊपर आदमी लोग रहते हैं, तो अब ये जब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या होना है? निराशा आती। लेकिन आपने हमको निराश होते देखा? नहीं। हमने जैसा हम प्रीचिंग करते वैसे ही प्रीचिंग कर रहे हैं। यस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु बोलता है एक इंसान को भी तुमने छुआ तो पूरा स्वर्ग खिल उठता है, उधर बड़ा बड़ा फिस्टिंग होता है। हाँ, तो संख्या से होता है कि लोगों के जीवन में बदलाव होता है उससे होता है? क्या हम संख्या देखने आए क्या? नहीं। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो क्या बोल रहा है वो? भले ही मेरे आंखों के सामने इतनी सारी बुराई हुई है, फिर भी मैं इसमें प्रभु में आनंदित होऊंगा। फिर प्रभु ईश्वर मेरा बल, प्रभु ईश्वर मेरा बल, बल वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। तो ये अभी कितना खड्डे में गया है? बहुत बड़े खड्डे में गया है, सही है ना? Yes. सब नुकसान हुआ है, लेकिन ये हमको एक सिखा रहा है कि जब मैं आनंदित होता हूँ प्रभु में, धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, इस समस्या के बीच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, तो प्रभु जो मेरा बल है वो मेरे पैरों में ऐसा ताकत डालता है, हिरने के पैर बनाता है। आप किसके पैर मजबूत हैं, मेरे के हिरन के? हिरन के। अरे हिरन के पैर देखे तो आप जो बैठे ना कुर्सी उसके ऐसे पैर हैं, मेरे पैर देखो कितने मोटे मोटे हैं। हाँ, रनिंग रेस लगाएगा हिरन के साथ? मैं जीतेगा? मेरी रेस स्टार्ट होने के पहले वो फिनिशिंग लाइन में पहुंच जाएगा। तो प्रभु यही बोलता है, जो पैर दिखने में कमजोर दिखते हैं लेकिन मैंने उन हिरनों के पैरों में ऐसा सामर्थ डाला है वो कितने स्पीड में भाग सकते हैं, सही है ना? Yes. उसी तरह जब आप आनंदित होते हो, स्तुति करते हो, धन्यवाद देते हो, भले ही आप कितने भी नुकसान में हैं, मेरा सामर्थ आपको इतना मजबूत करेगा कि उस गंदगी से, उस खड्डे से प्रभु आपको उठा लेगा और आपका भविष्य बहुत भला कर देगा। हालेलुया।
तो ये फॉर्मूला क्या है? भलाई पाने का फॉर्मूला क्या है? प्रभु में आनंद, आनंदित होना। तो जब हम गिरते हैं खड्डे में, तब आनंदित होते हैं कि दुखी होते हैं? दुखी होते हैं। और एक दुखी आदमी दूसरे दुखी आदमी को ढूंढते रहता है, फिर इनकी ग्रुप बन जाती है दुखी ग्रुप। और दुखी ग्रुप में सब दुख भरी कहानी बोलते हैं। तो प्रभु आज हमको क्या सिखा रहे? दुखी ग्रुप में रहना है कि आनंदित वाले ग्रुप में रहना है? आनंदित वाले। तो आनंदित ग्रुप में आनंद पाने के लिए क्या हमारी परिस्थिति बदलने के बाद हम आनंदित हो सकते हैं कि उस तूफान में भी हम आनंदित हो सकते हैं? तूफान में आनंदित होना है। तो परिस्थिति को हमारे पर कोई कंट्रोल है? नियंत्रण है? नहीं। परिस्थिति को जो आनंदित है उस पर कोई नियंत्रण है? नहीं है। नहीं है। उसका नियंत्रण कौन करता है? प्रभु स्वयं करता है, उनके शब्द करता है। और इसी शब्द के द्वारा वो आनंदित होता है, खुशियाँ बनाता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, भले ही कितना भी बड़ा गहरा खड्डा है, खड्डा नहीं, वैली को क्या बोलते हैं? तराई। भले ही कितना भी गहरा तराई है, और उसमें हम फंसे हैं, हम उसमें फंसे हैं, हमारी ओटो से स्तुति निकलती है, हमारे ओटो से स्तुति निकलती है, वह हमें उस तराई से बाहर निकालती है। हमारी स्तुति हमें उस तराई से बाहर निकालती है। सबसे आसान और सबसे सस्ता मार्ग ऐसे तराइयों से बाहर निकलने का, ऐसे तराइयों से बाहर निकलने का वो है, हम हमारे हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु उन्हीं उठे हुए हाथों को पकड़कर, हमें उस तराइयों में से खींच कर हमें बाहर निकालता है। Praise the Lord। जब बच्चा रोता है और उसको पता चलता है कि मेरे रोने से माँ आकर मुझे उठाती है, बच्चा ये सीखता है कि नहीं? सीखता है। दादागिरी घर पे कौन करता है? बच्चा। अभी मैं दादा हो गया हूँ तो मेरा जो पोता है वो सिर्फ अभी 8 महीने का है, लेकिन उसको सब मालूम है किसको कैसे कंट्रोल करना। दादी को कंट्रोल करने का म्यूजिक कुछ अलग है, माँ को कंट्रोल करने का म्यूजिक कुछ अलग है, सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसको उठाना है तो उसको ये मालूम है आवाज करना है, पहला आवाज कर रहा है कोई ध्यान नहीं देता है जानबूझ के, दूसरा आवाज उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है,
तीसरे बार फ्रीक्वेंसी वो नहीं होता, सीधा एंड तक पहुंचा करके चिल्ला। तो जब आप नजीक आते हैं तभी वो क्या करता है, जब बच्चा नजीक, बच्चे के नजीक आते है तभी क्या करता है, वो अपना हाथ उठाता है। क्यों उठाता है? अरे माल को तो ज्यादा मालूम है ना, उठाता है कि नहीं हाथ, क्यों उठाता है? हाँ वैसे हम भी छोटे बच्चे हैं, दुखी हैं, तराव में, तराव तराई में फंसे हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते, रोते नहीं है, स्तुति करते हैं। जैसे हमने हाथ उठाया स्तुति किया, प्रभु अपना हाथ नीचे उतारता है, हमारे हाथों को पकड़ता है और हमको खींचते हुए बाहर निकालता है। हालेलुया। तो हम छोटे बच्चे हैं कि नहीं प्रभु के लिए? जरूर। हालेलुया। कोई बोले मैं 50 साल का हूँ, ठीक है, तुम 50 साल के या 100 साल के, प्रभु कहता है 1000 साल उनके लिए एक दिन है। कितने दिन, कितने साल एक दिन है प्रभु के लिए? 1000 साल एक दिन है। तो अभी आपका उम्र क्या है? एक दिन भी नहीं हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखिए जिस तरह एक बच्चा, नन्ना सा बच्चा अपने हाथों को उठाता है, वो ये जानता है, वो ये जानता है कि उसकी माँ या उसके पिता उसी हाथ को पकड़कर उसे उठा लेते हैं। जिस तरह कोई पहाड़ चढ़ता है अपने हाथों को बढ़ाकर अपने बल से वो पहाड़ चढ़ता है, जब हम अपना हाथ उठाते हैं, जब हम अपना हाथ उठाते हैं ये दिखलाता है कि हमने अपने आप को समर्पण किया है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्तुति और धन्यवाद देने से हमारे जीवन में महान कार्य होता है। तो हम जब हाथ उठाते हैं हम ये दिखाते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु पर है,
और विश्वास के द्वारा ही, और विश्वास के द्वारा ही अच्छा कार्य हमारे जीवन में हो सकता है, अच्छा कार्य हमारे जीवन में हो सकता है। लेकिन जब हम उस तराइयों में फंसे हैं, लेकिन जब हम उस तराइयों में फंसे हैं, चिंता करते हैं, प्रभु को स्तुति करने से इनकार करते हैं, चिंतित होते हैं, तब हम ईश्वर का सामर्थ को अनुभव नहीं कर सकते, तब हम ईश्वर के सामर्थ को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सच्चाई को पहचान नहीं सकते हैं, सच्चाई को पहचान नहीं सकते हैं, और इसीलिए सालों साल उसी गुलामी में फंसे रहते हैं, सालों साल उसी गरीबी में, गुलामी में फंसे रहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। साम्स 34:5, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। वापस। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। फिर प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। वापस। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। तो बाइबल में लिखा है हम निराशी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यस। कैसे? प्रभु की ओर देखने से। हमको प्रभु की ओर देखना है कि हमारी समस्या की ओर देखना है? प्रभु की ओर देखना है। और प्रभु की ओर देखकर क्या करना है? आनंदित होना है। आनंदित होना है। तो जो लोग बीमार है, हॉस्पिटल में है, तकलीफ में है, वो लोग प्रभु की ओर देख रहे हैं कि अपनी तकलीफ की ओर देख रहे हैं? तकलीफ की ओर देख रहे हैं। तो हमारे जीवन में रोज हम किधर देख रहे हैं? अब प्रभु क्या बोलते हैं, कहाँ देखना है? प्रभु की ओर देख, प्रभु की ओर देखना है, और क्या करना है? आनंदित होना है। और ये जब आनंदित होते हैं तो हमको तो अच्छी हमारी कहानी मालूम है, दूसरों को हमारी कहानी नहीं मालूम। तो जब हम हमारे जिंदगी में सुधार करते हैं और सुधार करते करते हम प्रभु के वचन को रोज सुनते हैं तो उससे असर होगा। यस, अवश्य होगा। तो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा ये है, जब जब मुसीबत चालू होती है हमारा ध्यान किस पर है? प्रभु यीशु पर है या हमारे खुद के ऊपर होता है? खुद के ऊपर होता है। तो हमने तो आपको पहले ही कहा, जो इंसान का नज़र अपने खुद के फायदे पे होता है
उसके जिंदगी में कमीपन हमेशा होता है, क्योंकि उसका ध्यान पैसे पर होता है, प्रभु पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वापस पढ़िए वो वचन। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। तो मैंने प्रभु को प्रभु की ओर देखा। तो इस संसार में हम प्रभु की ओर देख रहे हैं कि कितना माल पानी निकलेगा उस पे देखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो बहुत लोगों के जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन होता है, भले ही प्रभु ने उनको नया जन्म दिया है, अच्छा कार्य किया है, लेकिन उनके जिंदगी में उनका ध्यान सिर्फ उनकी मुसीबतों पर होता है। प्रभु ने जो अच्छे अच्छे कार्य किए उसके बारे में वो भूल गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रभु की ओर नहीं देख रहा है, अपनी मुसीबतों की ओर देख रहा है, क्या उसकी जिंदगी में जो मुसीबत आई है ऑलरेडी है, उसमें से प्रभु निकाल पाएगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि उसका रिश्ता प्रभु के साथ है ही नहीं। लेकिन जो अपना समय, जो फ्री टाइम है, वो इस बाइबल के साथ निकालता है, प्रभु के साथ निकालता है, और उसको उनको ही बोलता है, मुझे सिखाइए प्रभु, मैं सीखने तैयार हूँ। ऐसी जब स्थिति होती है तो व्यक्ति बहुत बहुत आनंदित होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब मुझे किसकी जरूरत है? चाय की। मेरे आँख खड़े खड़े बंद हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। है 15 मिनट बाकी है, मैं भी समय देख रहा हूँ आज। तो किसी को कोई गवाही देनी है आनंदित होने में? कुछ तकलीफ हुई थी और उस तकलीफ में आप आनंदित हुए, और आनंदित होने के बाद क्या हुआ? कोई नहीं है। लिंटन भाई कोई है? बहन जी, बिटिया, कोई भी नहीं है? लगता है राजस्थान में प्रभु आते ही नहीं है। टीना, चलो हमारे बीच में टीना बहन आ रही है, आ जाइए। जय सु सबको, जय सु। कुछ तीन चार साल पहले की बात है, जब मैं, वैसे तो मुझे काफी ऑपरेशन हुआ हुआ है, 5 ऑपरेशन हुए हुए मेरे पेट के, मेरे पेट के 5 ऑपरेशन हुए हुए हैं, फिर भी मैं उन दर्दों को लेकर चलती हूँ। उसके बाद एक बार मेरा प्रेशर कुछ, मई महीना था, मई महीने में मैंने माता मरियम के नाम से उपवास किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जब मैं लास्ट डे माता मरियम के उस मंदिर में गई थी प्रार्थना करने के लिए,
तो उस माता मरियम के मंदिर से निकलते निकलते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस खराबी में मेरे पैरों को मेरे आधे शरीर में पैरालाइज का अटैक पड़ा। उस समय मैं ना तो चल सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। किसी का मुझे कोई सहारा नहीं था क्योंकि मेरे घर में कोई लड़कियां नहीं है, मेरे पास केवल दो लड़के हैं। वो बच्चे भी दोनों छोटे छोटे थे, इतने कोई समझदार नहीं थे कि हम क्या करेंगे। ले और आगे पीछे का कोई सहारा नहीं था मेरा, लेकिन मुझे जो भी सहारा मिला मुझे फादर सिस्टम के जरिए ही मिला। फादर सिस्टर्स ने ही मुझे संभाला, हॉस्पिटल तक मुझे पहुंचाया मेरे परिवार वालों ने। उस समय ना तो मैं चल सकती थी ना मैं उठ सकती थी, लेकिन उन दिनों में भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। उस सभी भी मैंने प्रभु को नहीं माता मरियम को पुकारा, हे माँ मरिया तू ही मेरा आगे पीछे मेरा सहारा है, तू ही मुझे संभालेगी। कम से कम एक साल तक मैं बेड पर पड़ी रही, मुझे किसी बात से किसी तरह से मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे कौन संभाल रहा है कौन कर रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक यही था कि मैं माता मरियम के मंदिर में गई थी, माता मरियम ही मुझे संभालेगी। आखिर में उस माँ मरिया ने ही मुझे अपने पैरों पर बल दिया और मुझे खड़ा करा। आज मैं उन्हीं की सहायता से चलकर इधर तक पहुँची। यहाँ आने के पहले भी मुझे 8 दिन से मुझे पैरों से चलना फिरना बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैंने फादर ने मैसेज डाला था व्हाट्सएप पे कि 6 दिन का रिट्रीट है, बाहर से कोई चंगाई की प्रार्थना और रिट्रीट देने के लिए आ रहे हैं। मैंने फादर से कहा फादर मैं चाहूँगी, लेकिन उसी दिन शाम को मेरे दोनों पैरों में इतना दर्द हुआ कि मैं उठ के बाथरूम तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन उस समय प्रभु ने मुझे कहा कि नहीं बहन तुम उठ कर जाओ, प्रभु तुम्हें संभालेगा। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि ईश्वर मुझे ताकत देना ताकि मैं 6 दिन की रिट्रीट में बराबर अपने आप चलकर जा सकूं। आज ईश्वर ने मुझे ताकत दिया है, बल दिया है, पैरों में वो ताकत दी जैसे कहा ना हिरनी की चाल की तरह, वैसे मैं आराम से चलकर इस रिट्रीट में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि प्रभु ने आज मुझे यहाँ तक इतनी मुसीबत होते हुए भी आज मुझे उस मुसीबत का एहसास नहीं होने दिया जो मेरे शरीर में थी। आज मैं आराम से चलकर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। अभी 2 दिन में मुझे अच्छा लगा है, 2 दिन में मेरे पैरों में इतनी ताकत आई है कि मैं आराम से मतलब घर तक भी कोई कहेगा कि पैदल जाओ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वचन से मुझे यही मिला है कि मैं विश्वास में दृढ़ बनी रहूँ, प्रभु में आनंदित हूँ और जो कुछ मैं सीख रही हूँ वो अपने आड़ोस पड़ोस में भी जाकर लोगों को हालेलुया आगे बढ़ाने में सहायता करूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। मेरा नाम लिंटन है, ब्रदर लिंटन, मैं मुंबई से हूँ। और ठीक नहीं है ब्रदर, एक मिनट। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा नाम ब्रदर लिंटन है, मैं मुंबई से हूँ और मैं यहाँ पे अजमेर में आया हूँ ब्रदर जॉनसन के साथ रिट्रीट के लिए, एक ग्रोथ रिट्रीट के लिए। और आते समय हम लोग बम्बई से आ रहे थे तो बम्बई में मेरा जगह है और वहाँ पे टेनेंट्स रहते हैं, भाड़ेकर रहते हैं। तो आते समय ही हमने देखा कि वहाँ पे जो हमारे एक टेनेंट है तो वहाँ पे कुछ उनका रिनोवेशन चालू था। और मैं उसी दिन एक्चुअली हम लोग दौंड से आए हुए थे तो हमारे पास कुछ समय नहीं था। तो मैंने देखा कि वो कुछ टेनेंट है कुछ हलचल कर रहे थे हमारे रूम में, हमारे जो जगह है वहाँ पे। तो मैंने मेरे बच्ची को बोला कि इस पे थोड़ा नज़र रख लेना, ये कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ अंदर ही अंदर कुछ काम किए। और आज सवेरे मेरे मम्मी की फ़ोन आई, मम्मी का फ़ोन आया कि वो जो टेनेंट है वो ज़बरदस्ती में उन लोग ने बढ़ा रहे बिना परमिशन के और प्रॉब्लम करा रहे हमें।
तो मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं मम्मी को बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम पैनिक नहीं होना, हम देखेंगे कुछ करना है बोल के। तो मैंने मम्मी ने उनसे बात किया वो टेनेंट से, तो पता है आप लोग टेनेंट कैसे होते हैं, अकड़ के बात करते हैं और सुनते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो तुमको करना है करो, हमने हमें जो करना है मैं करूँगी। तो मैंने कि आज हम दो तीन दिन से ब्रदर हमें टॉपिक सिखा रहा है पावर ऑफ प्रेस, क्या हिंदी में स्तुति, पावर ऑफ प्रेस सामर्थ्य स्तुति का सामर्थ्य। ओके, अभी ये तीन दिन बैठ के हम लोग ये सुन तो रहा है स्तुति का सामर्थ्य। ओके, और आप देखते हो कभी ऐसा होता है कि आप जब वचन सुनते हो, वचन बोलते हो, तो उस समय आपका परीक्षा होता है क्या नहीं? ओके, तो मेरे ज़िंदगी में तो मैंने देखा ही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुझे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आता है। तो इस बार मैं अभी दूर हूँ घर से, और यहाँ पे अभी परीक्षा मेरी मम्मी की और मेरे बच्चों की है, बच्चे छोटे हैं, मेरी बहन आई है वहाँ पे, और इनफैक्ट अभी उन लोग अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं क्योंकि वो तकलीफ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, पर हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं तीन दिन से? स्तुति देना कभी देना है, जब समस्या नहीं रहेगा या समस्या रहेगा तभी, सब अच्छा रहेगा तभी स्तुति देना है। समस्या हो या ना हो, अच्छा हो या ना हो, हमें क्या करना है, हर पल में स्तुति देना है, धन्यवाद देना है, परमेश्वर आप हमारे साथ है और जो भी कार्य हो रहा है उसमें हम विजय पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तो मेरे बच्चे, मेरी बहन और मेरी मम्मी पुलिस स्टेशन में अभी भी है, अभी कम से कम अभी 4 घंटे हो गए शायद। ओके, पर मुझे पता है कि परमेश्वर ने सब कार्य पूरा किया और हम आनंदित है। आनंद का मतलब क्या है? अंत जानना शुरुआत में। तो अंत क्या है कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी विजय दे दिए, इसलिए हम उसका कोई टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हमारे साथ है और हमने विजय पा लिया है। थोड़ा सिचुएशन होता है, बोलते हैं ना लेबर पेन आ जाता है, लेबर पेन आता है क्या नहीं? तकलीफ थोड़ा होता है ना, तो उस पर तकलीफ का टाइम है क्या हम रोना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए? हाँ, थोड़ा माहौल है उसके लिए सावधानी परख रहे हैं हम, थोड़े से जो भी सावधानी परखना है वो ले रहे हैं, पर हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ने हमें विजय ही दिया है। धन्यवाद यीशु। हाँ, ये सबसे सबसे मुख्य बात यह है क्या, ये जो युद्ध है वो किसके किसका है? परमेश्वर का। तो लड़ रहा कौन है? परमेश्वर युद्ध लड़ रहा है। मुझे क्या करना है? सिर्फ स्तुति देना है, धन्यवाद देना है, क्या क्योंकि परमेश्वर आप है, आप वो ब्रदर सिखा रहे थे भजन संहिता 8:2 में, जब हम स्तुति देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो स्वयं परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में आ जाते हैं। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है, तो मुझे किसका डर है? हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ही हमारा युद्ध लड़ रहे हैं और इतने साल से लड़ रहे हैं, ना केवल हमारे टेनेंट के साथ युद्ध है, हम बहुत बड़े डेवलपर के साथ भी युद्ध लड़ रहे हैं, और उसमें अंत क्या है, हम आनंदित है क्योंकि हमने ये विजय प्राप्त की है प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ऐसे सिचुएशन में हम नाराज नहीं दिखा रहे क्योंकि हम यहाँ पे इतने दूर देश में स्टेट में आए हैं, 1,500 किलोमीटर से अधिक है, छोड़ के आए हैं हमारे परिवार को, क्योंकि हमें हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, यीशु की जय। थैंक यू जीसस, सो थैंक यू वेरी मच, एंड वी बिलीव दैट द विक्ट्री इज ऑलरेडी बीन डन, हमने ऑलरेडी विजय पा ली है इस युद्ध से। या गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तो हम लोग अभी एक चाय का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, 15 मिनट में हम मिलते हैं। जय यीशु, जय यीशु। आनंद कब रहता है? जो हमें अंत परिणाम पता रहता है, अंत पहले से।
अभी देखो जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से हमको पता है कि क्या होने